गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रूल 36 सब रूल 4 जो कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करता है, इस रूल को लेकर के कैलकटा हाई कोर्ट में रिट फाइल करी गई है। और इस रिट के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं और कैलकटा हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल को नोटिस इशू कर दिया है कि ये जो रूल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो पॉइंट्स रखे गए हैं रिट पिटीशन के अंदर, जो चीजें एप्लीकेशन में लगाई गई हैं, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि रूल 36(4) जो है अब जीएसटीआर 3B के अंदर जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। हालांकि वो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आगे चल के वो दिक्कत जो है आपको दे सकता है। तो अब देखते हैं इस रिट पिटीशन के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। इस रिट पिटीशन के अंदर बेसिकली रूल 36(4) और इससे रिलेटेड, यानी कि इस रूल को जो पावर में लाया गया है उसके लिए जो सेक्शन बना था, सेक्शन 43A सब सेक्शन 4, ये दोनों प्रोविजंस जो हैं अल्ट्रा वायर्स घोषित किए जाने चाहिए, ताकि इस चीज को लेकर के इस प्रोविजन का कोई मतलब ना रहे। सबसे पहली चीज जो यहां पर बताई गई है कि रूल 36(4) जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है 10% ITC ऑफ द इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन अपलोडेड। तो अब यहां पर सवाल है कि 43A(4) से जो पावर मिलनी चाहिए थी मेन सेक्शन को, अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। विदाउट सेक्शन को नोटिफाई किए हुए रूल्स के अंदर ऐसे कंडीशंस जो है वो डाल दी गई है। आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले जो हमारा है सेक्शन 43A का सब सेक्शन 4। जी हां फ्रेंड्स, सेक्शन 43A जो है वो जीएसटी के अंदर एक्ट में अमेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इस प्रोविजन को नोटिफाई नहीं किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करी गई है। इसका सबसेक्शन 4 कहता है द प्रोसीड्योर फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज नॉट फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 3, यानी कि जो आपका सप्लायर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स फर्निश नहीं करता है, वैसे डिटेल्स, वैसे इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे वो कितना होगा, शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच प्रोसीजर मे इंक्लूड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच कैन बी सो अवेल्ड नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स अंडर द सेड सबसेक्शन। यानी कि यहां पर मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि वो इनवॉइसेस जो अपलोड नहीं किए गए उसके बदले कितना ITC मिलेगा, तो वो है यहां पर 20% ऑफ द डिटेल्स या इनवॉइसेस अपलोडेड। तो अब यहां पर 43A(4) के अंदर मैक्सिमम लिमिट 20% दी गई है और रूल 36(4) में इस लिमिट को 10% रखा गया है। तो अब सवाल यह है कि जब मेन सेक्शन ही अभी नोटिफाई नहीं हुआ तो रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जो ये 10% की कंडीशन दी गई है ये सही नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। अब देखिए रूल 36(4) क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। यहां पर बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि 10% इनवॉइसेस जो हैं उसका आपको ITC मिल जाएगा जो अपलोड किए गए हैं अगर आपका कोई इनवॉइस अपलोड नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इस रेट पिटीशन के अंदर जो पॉइंट रखी गई है बात कि मेन सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं हुआ तो आप रूल 36 सब रूल 4 को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें अगर ये चीज नोटिफाई हो भी जाती
सेक्शन 43A सब सेक्शन 4 को नोटिफाई करने के बाद भी रूल 36(4) लगाया जाता, फिर भी इस रेट पिटीशन के अंदर इन दोनों ही प्रोविजंस को सेक्शन 43A एंड सेक्शन 30 रूल 36(4) को जो है अल्ट्रा वायस करने के लिए प्रे करा गया है पिटीशनर के द्वारा, क्योंकि यहां पे जो चीजें बताई गई हैं ये एक इम्पॉसिबल सा काम और ओनरस वर्क दे दिया गया है रेसिपिएंट को। क्या है ये इम्पॉसिबल काम? इम्पॉसिबल काम ये दे दिया गया है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम तब देंगे जब आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 के अंदर डिटेल्स को अपलोड कर देगा। अरे भैया, रिसिपिएंट ये कैसे इंश्योर करे कि उसका जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहा है या नहीं? ये लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कंपेल कर ले कि वो अपनी रिटर्न जो है टाइमली मैनर पे फाइल करे ताकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ना जाए। इस मेन पॉइंट पे लेकर के ये पूरा रेट पिटीशन जो है वो बेसिस किया गया है, जो कि काफी ज्यादा वैलिड लगता है। और इस प्रोविजन के अंदर जो खामियां हैं उसे देखते हुए हो सकता है इसे स्ट्राइक ऑफ किया जाए, लेकिन अभी हमें वेट करना होगा कोर्ट के जजमेंट का, कोर्ट के ऑर्डर का। इसके लिए जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। अपडेट्स आप तक पहुंच जाए उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे प्रेस करके। आगे इस सेक्शन के अंदर, आगे इस पिटीशन में ये बोला गया है कि जो भी इनवॉइसेस और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम किया गया है, अगर वो सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रूल 36 सब रूल 4 या सेक्शन 43A सब सेक्शन 4 के अंदर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप यहां पर नहीं दबा सकते रूल 36(4) को यूज करके। तो काफी बड़ा ये अपडेट निकल के आया है रूल 36(4) के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई थी, हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इस एप्लीकेशन का जो मूल चीज है वो उन तक पहुंच जाए और इसका क्या इसके अंदर फ्लॉ है वो लोगों को समझ आए। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।